हाय फ्रेंड्स, मैं फ्लोरेंस हैंडिक राभा बोल रही हूँ हैदराबाद से। यहाँ मैं अपने फैमिली के साथ रह रही हूँ एंड अपने गुवाहाटी के फ्रेंड्स को और लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। यहाँ हैदराबाद में मोर देन 15 डेज हो गए हैं, कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है और हम में से कोई भी, हमारे फैमिली का कोई भी मेम्बर इस गेट से बाहर पिछले 15 दिनों से बिल्कुल नहीं निकला है। हम बिल्कुल अंदर हैं, घर के अंदर हैं एंड वी आर ट्राइंग टू बी सेफ। तो ऐसे में पिंक सिटी ने मुझसे कहा कि मैं एक 4-5 मिनट का वीडियो बनाऊं और आपके साथ अपने थॉट्स शेयर करूं कि मैं किस तरह से इस लॉकडाउन के टाइम पर पॉजिटिव रहती हूं। यस फ्रेंड्स, क्योंकि आपसे देखा गया है कि आइसोलेशन में रहने से लॉकडाउन के पीरियड में कई लोगों को डिप्रेशन हो गया है, कई लोग लो फील कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ लो फील मत करें, हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो मैं ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि मैं पॉजिटिव रहने के लिए क्या क्या कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो मैंने एक नया हॉबी पिकअप किया। यस, मैं ये छोटे छोटे पौधों को, प्लांट्स को लेकर आई हूँ कुछ 15 दिन पहले। तो मैंने ये प्लांट्स घर में सजाए हैं, तो आपके पास एक छोटा बरामदा हो सकता है या खिड़की के पास या घर के अंदर भी या घर के आसपास अगर छोटा गार्डन है तो आप वहाँ गार्डनिंग कर सकती हैं। ये नया हॉबी, आप कोई भी नया हॉबी आप पिकअप कर सकते हैं। तो मैंने ये गार्डनिंग का हॉबी पिकअप किया। तो व्हेन आई वॉटर माय प्लांट्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग आई फील वेरी गुड, आई फील वेरी हैप्पी। आप भी खुश रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, यस फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहने के लिए मैं यहाँ हमारे कंपाउंड में, छोटा सा कंपाउंड है हमारा, छोटा सा घर है, यहाँ मैं चारों तरफ एवरी इवनिंग करीब 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स वॉक करती हूँ। यस, आई वॉक। आप भी कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट मॉर्निंग जब मैं 7 बजे उठती हूँ उसके बाद मैं थोड़ा विटामिन डी लेती हूँ एंड अंडर द सन आई स्टे फॉर सम टाइम, आई डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस फॉर 15 टू 20 मिनट्स। वो आप भी कर सकते हैं, दैट विल कीप योर माइंड एंड बॉडी फिट। पॉइंट नंबर 3, फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहने के लिए और एक बात ज़रूरी है। मैंने हाल ही में देखा गेट से झांकते हुए कि जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं वो काफ़ी भूखे रहते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको थोड़ा खाना दें। इट इज़ टाइम दैट वी रिस्पेक्ट अदर एनिमल्स, वी रिस्पेक्ट नेचर, वी रिस्पेक्ट फूड। सो फ्रेंड्स, आप अगर ऐसा काम करेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपको बहुत शांति मिलेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। पॉइंट नंबर 4, वेल, हमें अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा निभाना है। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में गुवाहाटी में पढ़ाती हूँ, तो आई बीन वर्किंग फ्रॉम होम फॉर द लास्ट 15 डेज। मैं 10 से 4 बजे तक मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को कंस्ट्रक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली बिजी रखूँ। सो मैं थ्रू गूगल क्लासेस एंड ऑनलाइन वीडियो क्लासेस मैं बच्चों के साथ इंटरेक्शंस करती हूँ। तो आई लव दिस लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। ये मेरा नहीं, हर टीचर का फर्ज है। वेल, ट्राई टू वर्क फ्रॉम होम, तो इससे भी आपको काफी पॉजिटिविटी मिलेगी और आप खुश रहेंगे। पॉइंट नंबर 5, वेल फ्रेंड्स, जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मैं भी वही कर रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड एंड डॉटर के साथ यहाँ हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक साथ मिलकर मूवीज़ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, टेलीविजन शोज़ देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हंसी मजाक करते हैं, एक साथ मिलकर गाना गाते हैं। आप भी वो कर सकते हैं। और इनफैक्ट शाम को मैं थोड़ा सा नेचर के साथ अपने कंपाउंड में टाइम स्पेंड करती हूँ, तारों को देखती हूँ, आई लुक एट द स्टार्स, आई लुक एट द ट्रीज, आई फील लाइक टॉकिंग टू देम। आप भी वो कर सकते हैं टेरेस पर या बालकनी में अगर छोटा कंपाउंड हो, लेकिन घर के बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, अपने एल्डर्स को, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन को फील कर सकते हैं, आप डिप्रेस फील कर सकते हैं। आधा घंटा अगर आप हमेशा न्यूज़ देखेंगे, रोज़ न्यूज़ देखेंगे, काफ़ी है अपडेट्स के लिए। सो खुश रहिए एंड गवर्नमेंट ने एंड जो डॉक्टर्स हैं, जो भी हाइजीन प्रोटोकॉल उन्होंने दिए हैं उनको मेंटेन कीजिए, तो आप सेफ रहेंगे। जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने टेलीविजन शोज, एक्टिंग, शूटिंग बहुत मिस कर रही हूँ और मैं अपने छोटे बच्चों को और छोटे स्कूल को, स्टूडेंट्स को बहुत मिस कर रही हूँ। सो आई होप कि हमारा ये फेज जल्दी ख़त्म हो जाए, हम एक साथ मिलकर COVID-19 को हरा सकें। सो स्टे सेफ, stay at home, stay happy, keep smiling.